Hello toppers, how's you doing? This is motivational dose and welcome back to another video of class 11 physics. Students, हम लोगों का पहला चैप्टर चल रहा है. चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट. और इसमें आज हम अपना सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं. हालांकि इसके बाद में दो टॉपिक और बचते हैं, दो एक्सपेरिमेंटल टॉपिक, दैट इज स्क्रू गॉज एंड वर्नियर कैलिपर. वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन इसको लास्ट टॉपिक बोलते हैं. ये है आपका सिग्निफिकेंट फिगर. बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन कंफ्यूजिंग टॉपिक है. बच्चे जनरली इसके कॉन्सेप्ट या इसके रूल्स याद नहीं रख पाते हैं. सो आई विल ट्राई कि मैं इसके सारे रूल्स और जितने भी इसके कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं. और इसके न्यूमेरिकल्स अगर मैं बात करूं तो जेई नीट में तो जनरली इसके न्यूमेरिकल यार नहीं आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है. लेकिन जेई में क्या करते हैं कि ये एरर के साथ में, कॉम्बिनेशन के साथ एरर का कॉन्सेप्ट को ऐड करके सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर क्वेश्चन बना देते हैं, जिसके ऊपर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसकी अपन आज हम प्रैक्टिस करेंगे. बट बिफोर दैट हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर समझते हैं कि क्या होता है. तो सबसे पहले चलो मैं डेफिनेशन बताता हूं क्या होता है सिग्निफिकेंट. सुनना अच्छे से. द रिलायबल डिजिट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर. देखो सिग्निफिकेंट फिगर को SF से भी लिखते हैं या फिर SN, सिग्निफिकेंट नंबर, दोनों का मतलब एक है. सपोज करो आपकी कोई एक्सपेरिमेंट किया आपने और आपकी कोई मेजर करने के बाद वैल्यू आई 1.62 मीटर फॉर एग्जांपल. तो इसमें जो सबसे लास्ट डिजिट होता है इसको अनसर्टेन माना जाता है. अनसर्टेन का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि हमने जब रीडिंग ली हो तो शायद इस लास्ट वाले जो डिजिट है इसमें काइंड ऑफ सर्टेन ना रहा हो, हमने प्रॉपरली रीडिंग ना, इसीलिए लास्ट डिजिट को हमेशा क्या कंसिडर करते हैं, अनसर्टेन डिजिट. और बाकी जो डिजिट्स होती हैं उनको बोलते हैं रिलायबल. रिलायबल यानी कि जिनके ऊपर अपन भरोसा कर सकते हैं, यानी कि ये जो दो डिजिट्स होंगे एटलीस्ट इतना तो करेक्ट रहा होगा आपका मेजरमेंट. लेकिन हो सकता है लास्ट वाले में गलती हुई हो या काइंड ऑफ हम सर्टेन नहीं है कि हमने जो मेजरमेंट लिया वो सही लिया कि नहीं लिया, इसीलिए लास्ट डिजिट को हम अनसर्टेन डिजिट बोलते हैं. और उसको छोड़ के बाकी जितने भी डिजिट्स होंगे ये आपके क्या होंगे, दे आर कंसिडर्ड एज रिलायबल डिजिट. क्या ये बात क्लियर है? चलो अब बहुत सिंपल सी बात है. वैसे अगर मान लो 1.327 है तो 7 आपका क्या हो जाएगा, अनसर्टेन, और 1 ये हो जाएगा आपका रिलायबल. क्या ये बात क्लियर है? तो ये हो गया आपका सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में. अब हमें रूल्स पढ़ने हैं. सो स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका रूल्स. रूल्स हमको डिस्कस करना है. रूल्स में एक एक करके हम सारे रूल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहला रूल, ठीक है, उसके क्वेश्चन भी करते जाएंगे. ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. इसका मतलब कि ऑल द नॉन जीरो, यानी कि सपोज करो ऑल नॉन जीरो, अगर ऑल नॉन जीरो जो डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे आपके, दे आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 1, 2, 3, 4. यहां आप देख सकते हो कि चारों के चारों जो डिजिट है वो क्या है, नॉन जीरो है. नॉन जीरो है तो इसमें आप बोल सकते हो दैट इट इज हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, एक इसके इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट है, 4 है. सपोज करो ये हो गया 1, 2, 7, 6, कुछ भी हो यार, या 1, 2, 7, 6, 7. तो सपोज कर अब यहाँ पे सारे नॉन जीरो हैं तो इनमें यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके, 5 सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट्स हो जाएंगे. बहुत सिंपल सी बात है. अब चलो सेकंड रूल देखते हैं. ये रूल तो आपका इजी है, सेकंड रूल डिस्कस करते हैं. ऑल द जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज. इसका मतलब कि जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स जो होंगे उस केस में अपन इसको सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे. सिग्निफिकेंट मतलब कि उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट करेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं 10806. ये आपका सपोज करो एक क्वेश्चन है. यहां देख सकते हो कि दो नॉन जीरो है ना, दो नॉन जीरो इनके बीच में जीरो आ रहे हैं तो इनको भी हम सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे. तो ऐसे करके टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5. तो यानी कि इसमें टोटल कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर आपके हो गए. अगर इसमें आपका डेसिमल भी आता है कहीं पे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सपोज करो कोई और कुछ भी ले लो यार, 4, 2.78 ये है फॉर एग्जाम्पल.
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेसिमल भी आ रहा है, सपोज करो ये जीरो है, ठीक है, बीच में है, नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो कोई इसको कंसिडर किया जाएगा। तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे आपके, फोर सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, बहुत सिंपल सी बात है। तो दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आता है तो आप उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे। अब तीसरा रूल, एक एक रूल है इनको लिखते जाना भाई, बाकी पूरे चैप्टर वन के सारे नोट्स मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टूडेंट्स कई बार देखो वीडियो बैक टू बैक डेली 4-5 वीडियो डल रही है, तो बैक टू बैक अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि नहीं डिस्क्रिप्शन में डलता है तो प्लीज कमेंट किया करो, मैं तुरंत उसको रेक्टिफाई करूंगा आपकी जो भी इशू रहेगी, ठीक है। चलो ऐप भी है हमारा, उस ऐप से भी आप यहाँ पे पढ़ के देख सकते हो, ठीक है, वो ऐप की लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके डाउनलोड कर लेना। चलो अब हम बात करते हैं तीसरा रूल के बारे में, ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब कि सपोज करो अगर यहां पे ऑल द जीरो पे टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, यानी कि जीरो टू द लेफ्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट, समझ रहे हैं यहां पे। अगर आपका फॉर एग्जांपल नंबर कुछ इस तरीके से है 00702, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये आपका नॉन डेसिमल के लिए बता रहा हूं, ठीक है, आगे डेसिमल के भी रूल्स हैं। तो देखो यहाँ पे जीरो आपके नॉन जीरो नंबर के बीच है तो इसको तो कंसिडर करेंगे, लेकिन ये वाले जो लेफ्ट में है ये दोनों के दोनों, ये आपका कंसिडर नहीं होगा। तो टोटल इस केस में कितने हो जाएंगे आपके, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। यानी कि पहला नॉन जीरो से पहले अगर कुछ जीरो आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? अब थोड़ा सा और अच्छे से रूल देखते हैं आगे का। इफ द नंबर इज लेस देन वन, जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल प्लेस बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। बहुत ही प्यारा ये आपका रूल है, इसको समझना। ये रूल क्या बोल रहा है, रूल नंबर 4 है। अब ये बोल रहा है कि अगर सपोज करो इसी में ही अगर आपका कहीं डेसिमल भी दे दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपका डेसिमल नंबर में फॉर डेसिमल, ठीक है, ये डेसिमल के लिए है आपका। तो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं 0.002086, ये आपका दे दिया है फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पे अगर आपका ये डेसिमल नंबर है तो डेसिमल के में भी अगर नॉन जीरो से पहले जितने भी जीरो आएंगे उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो बोल सकते हो चाहे डेसिमल हो या ना हो, अगर आपका नॉन जीरो से पहले जितने भी जीरोस होंगे वो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इस केस में भी आपके टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4 होंगे, ठीक है। एक बार आपको मैं चारों के चारों रूल्स यहाँ पे वापिस से समझाता हूँ। पहला, अगर चारों सबके सब नॉन जीरो है तो सब सिग्निफिकेंट है, अगर आपके नॉन जीरो के बीच जीरो आ रहे हैं तो उसको भी सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे। तीसरा, अगर आपके नॉन जीरो से पहले जीरो आ रहे हैं, चाहे वो डेसिमल हो चाहे नॉन डेसिमल हो, उस केस में उसको सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये आपके 3 से 4 रूल्स आप लोगों के क्लियर हो गए। और भी रूल्स हैं, अभी उसको डिस्कस करते हैं। 5, 6, 7 3 रूल और है यार, बहुत सिंपल है। क्या इतना क्लियर है? अभी इसके ऊपर देखो एक क्वेश्चन आया हुआ अभी जेई का, वो क्वेश्चन भी मैं अभी आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है, तो देखते चलो कि क्या होगा, है ना। तो अब देखो जल्दी से फिफ्थ वाला रूल अच्छे से समझना, अब यहां पे इंटरेस्टिंग है। द ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। द ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विदाउट आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखो यार अब ये क्या बोल रहा है, ये रूल मैं पहले बता रहा हूं, देखना। द ट्रेलिंग जीरो इन अ, देखो ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट डेसिमल, पहले विदाउट डेसिमल, यहां पे भी पहले विदाउट डेसिमल पढ़े थे फिर डेसिमल पढ़े, वैसे यहां पे भी पहले विदाउट डेसिमल पढ़ेंगे। विदाउट डेसिमल जो है उसको नॉट सिग्निफिकेंट कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब कि अब यहां पे आप लोगों ने सवाल पूछा होगा कि सर अगर लास्ट में जीरो आ रहे हैं तो क्या होगा। सही बात है, तो सपोज करो आपका नंबर है 3600, ठीक है, इस तरीके से। तो इस केस में क्या होगा,
अगर आपका लास्ट में ट्रेलिंग में अगर जीरो आता है तो ये कंसिडर नहीं होगा, तो अल्टीमेटली आपके दो ही यहां कंसिडर होंगे, तो ये हो जाएंगे आपके दो सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब कि समझना अच्छे से कि अगर मान लो आपका जीरो पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है नॉन डेसिमल नंबर में, तो उसको सिग्निफिकेंट हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब सिक्स्थ रूल देखो, ये इंटरेस्टिंग है। सिक्स्थ रूल का समझना क्या बोल रहा है, द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। यानी कि अगर आपका ट्रेलिंग नंबर जीरो, ट्रेलिंग जीरो अगर आपका डेसिमल नंबर में है, ठीक है, डेसिमल नंबर में है, तो उसको हम सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे, सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे। इसका मतलब कि अगर ये 3.600 में 3.600 हो जाता या कहीं भी डेसिमल आता, तो ये मान के चलो हम इसको यहाँ पे सिग्निफिकेंट अब हम कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे इन दो जीरो की भी वैल्यू हो जाएगी, तो टोटल अब यहाँ कितने हो जाएंगे आपके, चार सिग्निफिकेंट फिगर या चार सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। सिंपल सी बात है। तो समझना ट्रेलिंग में क्या होता है कि अगर डेसिमल नंबर है तो ट्रेलिंग जीरोस को कंसिडर करते हैं, अगर आपका नॉन डेसिमल है तो ट्रेलिंग जीरोस को कंसिडर नहीं करते। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बात और याद रखना, एक लास्ट पॉइंट और है, दो पॉइंट और है, बट देखो ये वाला केस में देखना, यहां पर ट्रेलिंग में कंसिडर नहीं हुआ क्योंकि आपका डेसिमल नंबर नहीं था, तो ट्रेलिंग जीरोस को कंसिडर नहीं किए। लेकिन बट इफ द नंबर कम्स फ्रॉम सम एक्चुअल मेजरमेंट देन द ट्रेलिंग जीरोस बिकम सिग्निफिकेंट। इसका मतलब कि अगर ये रीडिंग सपोज करना कि अगर मान लो आपकी ये रीडिंग 3600 अगर आपके किसी मेजरमेंट से आई हुई है, तो उस केस में लास्ट के दो जीरो की वैल्यू होगी कि नहीं होगी यार। सपोज करो आपने वेट किया मान लो किसी ट्रक का वेट किया और 3600 केजी आया उसका एग्जैक्ट, तो क्या आप लास्ट के दो जीरो कंसिडर नहीं करोगे, तो क्या उसका 36 किलो लिख दोगे क्या, नहीं होगा ना। इसका मतलब कि उसमें कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब कि ट्रेलिंग जीरो अगर आपका एक्सपेरिमेंट से आया है, तो उस केस में हम उन ट्रेलिंग जीरोस को भी सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो अगर ये बात क्लियर है तो जल्दी से एक लास्ट आप लोग सेवंथ वाला और देख लो क्या होगा। सो स्टूडेंट सेवंथ वाला देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं इसको, द एक्सपोनेंशियल टर्म डज नॉट इफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब समझना कि सपोज करो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, देखना मैं कैसे लिखूंगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझना। सपोज करो आपका एक नंबर है 12.3, बताओ यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? ऑब्वियसली बात है सब नॉन जीरो है, तो टोटल कितनी है यहाँ पे, 3 है। कितनी है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। एक बात बताओ, अगर मेरे को इसको लिखना होगा तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1.23 × 10⁻¹ ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने एक पॉइंट को यहाँ शिफ्ट किया और मैंने 10⁻¹ लगा दिया। इस केस में बताओ कितने सिग्निफिकेंट होंगे, क्या इसमें भी आपके 3 ही आएंगे, 3, क्योंकि एक्सपोनेंशियल इसको कंसिडर नहीं किया जाता। अब बताओ सपोज करो मैं एक डेसिमल और यहां लेके आ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 0.123 × 10⁻², ठीक है, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया मान लो। अब बताओ ये 10⁻² को तो कंसिडर करते ही नहीं है, तो 0.123 में आपका जो शुरू में आ रहा है ये जीरो तो कंसिडर नहीं होता, चाहे डेसिमल हो या नॉन डेसिमल। तो अल्टीमेटली इसमें भी कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, 3 है। और यही अगर मेरे को लिखना हो तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 0.123 × 10³, क्या इसमें भी 3 ही आएंगे। तो इसका मतलब कि एक्सपोनेंशियल में आपके ये जो एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी होती है इनको हम सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करते, और ऐसे चेंजेस करने से सिग्निफिकेंट डिजिट या फिगर में कोई भी चेंज नहीं आता है। क्या ये बात क्लियर है? तो ये हो गए आपके 7 बेसिक रूल्स, ठीक है, इनको अच्छे से समझना साथ के साथ को, और कोई ऑप्शन नहीं होता है। इनके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसके बारे में अपन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो यार क्या है, तो स्टूडेंट ये देखो यार क्वेश्चन है एक आपका बहुत पुराना क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अब आता नहीं है, बट प्रैक्टिस के लिए अभी जो हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस के लिए जरूर काम आएगा ये। ये आपको आप स्क्रीन में देखो, द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द नंबर्स, चलो आप लोगों के लिए वर्क है ये। पहले वाले का बताओ कितना होगा, 2 3
23.023। बताओ भाई इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट होंगे? दो नॉन जीरो है, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आएगा, कोई फर्क नहीं होता। तो यहाँ पे टोटल 5 दिख रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका क्या है? 0.0003 ये आपका सेकेंड पार्ट है। इसमें बताओ भाई चाहे डेसिमल नंबर हो या ना हो, अगर शुरू के जितने भी जीरो आएंगे वो कंसिडर नहीं होते, तो इसमें सिर्फ एक ही है, तो इसमें आपको मिलेगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत ही आसान है ना। अब तीसरा चेक करो, तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा है आपका 2.1 × 10⁻³। अब ये रूल आपने 7th वाले में प्रॉपर्टी पढ़ा था एक्सपोनेंशियल में, कि भाई ये एक्सपोनेंशियल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहां देख लो दो डिजिट दिख रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर या 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। देख सकते हो यार कितने आसान क्वेश्चन है, कितना इजी तरीके से अपन ने रूल समझ लिया। बस एक वो वाली प्रॉपर्टी याद रखना कि लास्ट पे अगर दो तीन जीरो, अगर नॉन डेसिमल नंबर है तो कंसिडर नहीं होता, सिग्निफिकेंट नहीं मानते, लेकिन अगर वो एक्सपेरिमेंट से आपको मिला है तो आप वहां पे कंसिडर करोगे। तो ये हो गए आपके 6 से 7 रूल्स जिससे आप बता सकते हो कोई भी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब हमारा इसमें सेकेंड टॉपिक है, दैट इज रूल्स फॉर एरिथमेटिक ऑपरेशन। जैसे एरर हमने देखे थे ना कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिविजन करने से एरर में क्या चेंज आता है, वैसे ही जब हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो लास्ट जो आंसर आएगा उसको कितना सिग्निफिकेंट लेना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझ लेना भाई। ठीक है, ये अब मैं मिटा दे रहा हूं, इसको आप लोग कर लेना। ठीक, बहुत आसान है, इसके न्यूमेरिकल आए हुए हैं, वो दोनों न्यूमेरिकल मैं करवा दूंगा। चलो भाई, तो रूल्स पढ़ लिया जाए, बहुत ये आज का सेकेंड टॉपिक है ऑपरेशंस, एरिथमेटिक ऑपरेशंस में देखो क्या रूल्स होंगे। एरिथमेटिक ऑपरेशंस रूल्स लिख देता हूं। तो सबसे पहला ए, फॉर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। सपोज करो आप एक से ज्यादा नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करते हो तो आपका जो ओवरऑल आंसर आता है उसमें कितना सिग्निफिकेंट रखना पड़ेगा, उसके लिए रूल्स है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए रूल है, अच्छे सुनना, बहुत आसान है और इसी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। एरर और ये दोनों, ये वाला कंसेप्ट, इन दोनों कंबाइन करके क्वेश्चन पूछता है जेईई में, ठीक है, नीट में भी पूछ सकता है। देखो, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन ओरिजिनल नंबर्स। देखो यार, एक एग्जाम्पल से ही आप समझ जाओगे। सपोज करो डेंसिटी आप निकाल रहे हो, डेंसिटी आप निकाल रहे हो, सपोज करो मास दे रखा है 4.237 अपॉन, ये आपका कुछ भी दे दिया रैंडम है 2.51 ऐसा कुछ दे रखा है सपोज करो। ठीक है, अब ये डिवीजन का केस है, अब ऑब्वियसली बात है इसको सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा ही। ठीक है, तो अब बात आती है कि सर अब जो आंसर आएगा उसमें कितने डिजिट्स रखने जरूरी है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो अब यहाँ पे डेंसिटी अगर आप निकालना है डिवीजन करके आए, तो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के लिए जो रूल है वो क्या होता है, यहाँ पे देखो कितने नंबर्स हैं, दो ही नंबर है, जितने भी नंबर्स हैं सब में चेक करो कि उनके इंडिविजुअली कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका पहले ऊपर वाले का नंबर की अगर मैं बात करूं तो ऊपर वाले में टोटल मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे 4, ठीक है, 4 दिख रहे हैं, नीचे वाले में दिख रहे हैं 3, तो दो ही नंबर है। तो ये बोलता है कि भाई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम क्या करेंगे, जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट है उस वो जो वैल्यू है उसी में उतने ही डिजिट्स में हम आंसर को लिखेंगे। तो क्वेश्चन में भाई एक 4 था एक 3 था, तो सबसे लीस्ट क्या है 3, इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा उसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट ही होने चाहिए। तो जब आप सॉल्व करोगे, सपोज करो आपका आंसर 1.619 आ रहा है, तो आप इसको राउंड ऑफ करोगे और इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अभी के लिए सपोज करो आपका 1, 2 आ रहा है, तो ये आप राउंड ऑफ करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1.61। तो देखो आपके आंसर में जो डिजिट्स होंगे वो सबसे क्वेश्चन में जो सबसे जिनका सबसे लिस्ट था उसको कंसिडर करके करेंगे। अगर यही क्वेश्चन में मान लो ये 2.5 होता तो अब यहाँ पे कितने हो जाते सिग्निफिकेंट, 2, तो उस केस में आंसर में भी आपको सिर्फ 2 में ही देना पड़ता। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसी का एक कंसेप्ट अभी हम डिस्कस भी करने वाले हैं। बट बिफोर दैट अब मैं आपको बताने वाला हूं सेकेंड रूल। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड रूल क्या है आपका, एडिशन के लिए है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो मल्टीप्लीकेशन डिविजन क्या समझ में है कि आंसर में आपका जो सबसे लीस्ट क्वेश्चन के में जितने नंबर थे उसमें जिनका सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतने में ही आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। ठीक है,
अब एडिशन सब्ट्रैक्शन का थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है यार, और बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, ये टॉपिक में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल आंसर और रिजल्ट शुड रिटेन एस मेनी डेसिमल प्लेसेस एस आर देयर इन नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेस। इसका मतलब कि सपोज करो 1.761 माइनस 7.2, इसको अगर मैं सब्ट्रैक कर रहा हूं तो बताओ यहाँ पे कितने नंबर है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, टोटल कितने नंबर है, दो नंबर है, एक ये और एक ये। तो जब आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन की बात करोगे तो आपको पूरे सिग्निफिकेंट डिजिट चेक नहीं करना है, आपको पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस है वो चेक करना है। यहाँ पे पॉइंट के बाद में 3 डेसिमल प्लेस और यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1 है, तो आपका जो भी आंसर आएगा उसके पॉइंट के बाद में 1 होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 12 माइनस 5, तो ये मेरा आंसर होना चाहिए 5 पॉइंट, और सिर्फ ये होगा 5.5 होना चाहिए, यानी कि पॉइंट के बाद में मेरा सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर आना चाहिए। तो इसका मतलब कि कंक्लूजन अगर मैं बात करूं तो मल्टीप्लीकेशन डिविजन में हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देते हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लीस्ट डेसिमल प्लेसेस में आंसर देते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, इसी के ऊपर आपके क्वेश्चन आए हुए हैं यार, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, इसको मैं बता देता हूं। तो ये देख लो यार, ये आपका इसी साल का क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल, ये आप 10 सेकंड में आंसर दे सकते हैं बच्चे, देखो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। क्या बोल रहा है, द डायमीटर एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर मेजर्ड एज, देखो यार क्वेश्चन स्क्रीन में आ गया होगा आपके, डायमीटर देखना क्या लिखा है, मैं पहले लिख देता हूं। अब ये फॉर्म तो आप समझ गए होंगे, देखो एरर का फॉर्म है ये, ठीक है, ये एरर का फॉर्म है, और आपका ये हाइट यहाँ पे दे दिया है 34.2 प्लस माइनस 0.1, आप लोग देख सकते हो कि ये आपका एरर के साथ कंबाइन होकर क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम इन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, कहीं ना कहीं ये होता है आपका एरिया इंटू हाइट, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच, है ना। देखो सिलेंडर तो ये होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो अल्टीमेटली हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब क्या है यहाँ पे आर क्या होगा डी बाई टू, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई फोर इंटू एच, यानी कि आप बोल सकते हो कि ये इनको मल्टीप्लाई करके आएगा, डी और एच को मल्टीप्लाई करके ही वॉल्यूम बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखना यार बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं, पाई की वैल्यू धड़ाधड़ डाल रहे हैं, डी स्क्वायर की वैल्यू डाल रहे हैं, एच डाल रहे हैं और निकाल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन आपका 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अब देखो आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं प्यारे प्यारे, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, ठीक, देखो आपको मल्टीप्लाई करके आएगा, समझना, मल्टीप्लाई करके आएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बताओ मल्टीप्लिकेशन में रूल क्या बोलता है, कि आप जब दो या दो से ज्यादा जब आप अलग अलग क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर में अपने को लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लेना पड़ता है। यहाँ पे आप देखोगे तो कितना है 3, यहाँ भी कितना है 3, तो आपके आंसर में भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन देखो आप लोग, ऑप्शन में पहले में है 4 जो नहीं हो सकता, दूसरे में है, दूसरे में कितने भाई 3 है, क्योंकि ट्रेलिंग 0 को हम कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो हमारा रिजल्ट आया ना, हमने मेजर थोड़ी किया उसको पहले, तो रिजल्ट आया हमारा, तो आपका बी वाले में 3 है, और सी ऑप्शन में देखो 4300 इसमें 2 है, ठीक है, और चौथे वाले में 5 है, तो यार 3 होने चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। और ये देखो आंसर देख लो गया तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो गया बी हो गया। तो देखा मतलब कि 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये, कि इतना बड़ा सॉल्व थोड़ी करूं, इतना टाइम थोड़ी मिलता है पेपर में, तो ये लॉजिक लगाना रहता है, ठीक है, क्लियर है बात। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन था, ये कैलकुलेशन का कोई क्वेश्चन नहीं था। इसी के बिहाफ पे ना एक क्वेश्चन और आया हुआ है, क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कंसेप्चुअल है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर, देखना स्क्रीन में आया होगा, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, एरिया ऑफ ए स्क्वायर दे दिया है आपको, ठीक है, कितना दिया है देखना, ये दिया है 5.29, टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं 3 है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर विल बी, 7 अलग अलग, तो भाई टोटल एरिया क्या होगा, आप लोग लिखोगे भाई 7 का कितना होगा, 7 × 5.29, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे बोलेंगे सर अब बताओ भाई, आप लोग ही बताओ यार, दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका जो आंसर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए।
बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें एक है, इसमें तीन है, तो एक होना चाहिए, तो एक आंसर होना चाहिए, एक ही डिजिट रहना चाहिए। अब ऑप्शन देखोगे तो मिलेगा आपको 37, दो है, और दूसरे में मिलेगा 37.2, इसमें चार है, फिर 37.0, तो डेसिमल में ट्रेलिंग डिजिट को कंसिडर करते हैं, इसमें तीन है, और चौथे वाले में पांच है, तो बोलोगे सर इसमें तो नन ऑफ द दिस हो गया, आंसर नहीं होगा। अब देखो भाई यार, ये सेवन जो है ये आपकी मेजर्ड वैल्यू नहीं है, ये तो सात का निकाल रहे हैं राउंड ऑफ में, तो है ना भाई, एक का दे रखा था, तो एक्चुअल मेजर्ड ये है ना, ये सेवन तो भाई सेवन टाइम्स मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, तो ये कोई मेजर्ड क्वांटिटी तो है ही नहीं, तो इसको यानी कि जो क्वांटिटीज मेजर्ड क्वांटिटी नहीं होती है उसको हम सिग्निफिकेंट के लिए कंसिडर नहीं करते हैं, इसीलिए सेवन को कंसिडर नहीं करेंगे, तो ओवरऑल हम किसको करेंगे 5.29। अगर क्वेश्चन में ये होता है कि सर लेंथ ये है, हमने मेजर करके निकाला है, ये ब्रेड्थ है, तो ऑब्वियस ही बात है उस केस में इसको भी इसकी उस केस में हमारा सिग्निफिकेंट फिगर वन होता, और इसी के बिहाफ पे हमारा आंसर में सिर्फ हम वन सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर देते, लेकिन अभी ये कोई मेजर्ड वैल्यू नहीं है, तो यार क्वांटिटी है कि सात का निकालना है, डायरेक्ट मैथ से मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए इसको कंसिडर, इसके सिग्निफिकेंट को कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में कंसिडर करेंगे। तो अल्टीमेटली आपके आंसर में कितना होना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन सी में 37.0 में आपके 3 सिग्निफिकेंट है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो यार ये होते हैं 5-5 सेकेंड के क्वेश्चन, बड़े आसानी से आप लोग इसको कर सकते हो, तो कोई कंसेप्ट इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं है यार, कंसेप्ट बेस्ड, और आपके एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही कंसेप्ट बेस्ड आते हैं, उनमें कैलकुलेशन इतनी नहीं मिलेगी, बस कंसेप्ट्स में दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का अब बात करते हैं तीसरा टॉपिक, है ना, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है लेकिन कंप्लीट कर लेंगे आज अपन। तीसरा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। अब देखो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो मेरा आंसर आया 17.26, अब मैंने सपोज मैं बोल रहा हूँ कि आंसर को आपको 3 डेसिमल मतलब कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है, तो यहाँ तो 4 है, तो यहाँ कहीं ना कहीं मेरे को लास्ट डिजिट को हटाना पड़ेगा, यानी कि राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंडिंग ऑफ के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कैसे करते हैं देखो, तो इसके लिए सबसे पहला रूल है, सबसे पहले मैं तो लिख देता हूँ राउंडिंग ऑफ, ठीक है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बड़े आसानी से इसमें बता सकते हो। इसमें पहला रूल है आपका रूल वन, रूल वन क्या बोलता है, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज मोर देन 5 देन द प्रेसिडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। इसका मतलब कि सपोज करो आपका क्वेश्चन ये दे रखा है 6.87, अब इसको आपको राउंड ऑफ करके 2 डिजिट तक करना है, तो इसमें आप चेक करोगे कि आपका जो लास्ट डिजिट जिसको हटाना है ये क्या है, तो ये रूल वन बोलता है कि अगर ये आपका ग्रेटर देन 5 है तो इससे पहला वाला जो नंबर है वो 1 बढ़ जाएगा और ये हट जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 6.8, एक बढ़ जाएगा इससे, जस्ट पहला प्रीसीडिंग बढ़ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 6.9। तो देखा आपने, आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर से 2 सिग्निफिकेंट कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। यही चीज अब एक और क्वेश्चन है 6.728, इसमें आप देखोगे तो लास्ट डिजिट क्या है 8 आपका 5 से बड़ा है, तो ये हट जाएगा और इससे पहला वाला 1 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 6.73, बहुत आसान ही बढ़ गया। अब देखो रूल नंबर टू बहुत आसान चीज है यार, रूल नंबर टू क्या, इफ द डिजिट टू बी राउंड ऑफ इज लेस देन 5 देयर इज नो चेंज इन द प्रेसिडिंग डिजिट्स। इसका मतलब कि अगर आपका लास्ट वाला डिजिट लेस देन 5, यानी कि सपोज करो 6.84 है या 7 की जगह फॉर एग्जाम्पल 4 है, तो ये लेस देन 5 है, तो इस केस में क्या होगा, ये हट जाएगा और इससे पहले वाले नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये 6.8 ही रहेगा, ठीक है। वैसे इसमें भी अगर मान लो 8 की जगह फॉर एग्जांपल 5 से लेस 4 होता 3 होता तो कोई चेंज नहीं होता, आंसर आपका 6.72 हो जाता, ठीक है, तो प्रेसिडिंग नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर अगर 5 है तो अगर आपका लास्ट डिजिट जिसको आपको राउंड ऑफ करना है अगर वो 5, तो फिर ऑप्शन आएगा यहाँ पे दो केस बनेंगे। दो केस कैसे बनेंगे, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड एंड इज लेफ्ट अनचेंज्ड इट इज इफ इट इज इवन। इसका मतलब एग्जांपल से समझा रहा हूं, सपोज करो आपका 6.75 है और एक है 6.65, ठीक है। देखो यार लास्ट डिजिट 5 आ रहा है, ठीक है, राउंड ऑफ करना है, दो डिजिट में मेरे को इसको कन्वर्ट करना है,
अब लास्ट डिजिट आप देखो फाइव है, तो अगर फाइव है लास्ट डिजिट तो आपको चेक करना है कि उससे पहले वाला डिजिट क्या है। अगर उससे पहले वाला डिजिट ऑड है, ये ऑड है, तो उस केस में ये एक बढ़ जाएगा और फाइव तो हटना ही है, तो ये बन जाएगा 6.8, आपका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर इससे पहले वाला नंबर इवन है तो कोई चेंज नहीं आएगा, लास्ट वाला डिजिट हट जाएगा और ये बेचारा वैसा का वैसा ही रहेगा, 6.6 ही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज इन द प्रीसीडिंग नंबर। तो बहुत ही आसान है यार, राउंडिंग ऑफ कैसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जब आप सिग्निफिकेंट फिगर में जब आप आंसर निकालते हो तो आपको पता है यार सिग्निफिकेंट डिजिट्स में रखना पड़ेगा आंसर, तो आपको लास्ट से फिर राउंडिंग ऑफ करना पड़ता है। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ राउंडिंग ऑफ का, कि सपोज करो आपका वैल्यू बनी 1.78261, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन बोल रहा है, समझना भाई अच्छे से, क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपको इसको राउंड ऑफ करके टू डिजिट तक पहुंचाना है। तो देखो सबसे पहले लास्ट डिजिट देखोगे, लेस देन फाइव है तो कोई चेंज नहीं आएगा इससे पहले वाले में, ठीक है, हट गया। अब सिक्स, ग्रेटर देन फाइव है तो जब ये हटेगा तो इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, थ्री हो, एक बढ़ जाएगा, थ्री हो गया। अब ये थ्री लेस देन फाइव है तो ये हट जाएगा, इससे पहले वाले कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये चेक करेंगे कि ये ग्रेटर देन फाइव है तो ये जब ये हटेगा तो इससे पहले वाला एक बढ़ जाएगा, तो आपका ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, 1.8। तो इस तरीके से राउंड ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट है नीचे कमेंट करो, मैं आप लोगों को रिप्लाई करके आपके प्रॉब्लम्स को मैं दूर करूंगा, आप लोगों को क्लियरिफाई करूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ में सिग्निफिकेंट फिगर खत्म करते हैं। बाकी यार देखो, दिस इज नॉट एवरीथिंग, राइट। मतलब आप सोचोगे कि सिर्फ ये कुछ वीडियोस देख के और आप लोग बहुत बड़े ज्ञाता बन जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। ये तो एक काइंड ऑफ डायरेक्शन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, कि भाई आपको एटलीस्ट पता चलते रहे कि यार क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब और क्या क्या पेपर्स में आते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक्चुअल मेरा काम बस ये है प्रैक्टिस करना और कुछ कुछ और कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से क्लेरिफाई करना। ये तो आपको धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपसे होगा। तो भाई सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो यार, बाकी तो इधर उधर की दुनियादारी की चीज़ें छोड़ो, कौन क्या कैसे क्या करवा रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ स्टडी करो, अच्छे से मोटिवेटेड रहो यार, और कुछ सीखने की भावना से पढ़ाई करो, देखना बहुत आगे जाओगे आप लोग, ठीक है। तो विद गुड विशेस यार, ये चैप्टर हम लोग, अब दो टॉपिक और बचे हैं इसका, स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर, उसके क्वेश्चन जनरली नीट में आते हैं, प्लस जेई में भी आते हैं, यस आजकल आने लग गए कुछ सालों से, तो वो अपन देखेंगे। उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है वर्नियर वीसी और स्क्रू गॉज का, ठीक है। और फिर उसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे, है ना। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू मोटिवेशनल दोस्त इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे मोटिवेटेड, और भाई पढ़ाई वढ़ाई करना शुरू कर दो यार, ठीक है। तो देखो पढ़ोगे तो भाई इम्प्रूवमेंट आएगा ना यार, और इम्प्रूवमेंट आएगा तो भाई कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो फाड़ दोगे यार, ठीक है।